हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग NIOS क्लास 10th के लिए एक गुड न्यूज़ है, ठीक है। जैसा कि आप सभी को मतलब पता हो ही गया होगा, मैं वीडियो थोड़ा सा देर से बना रहा हूँ ड्यू टू सम इशू, कुछ कारण से, ठीक है। और रीज़न तो क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को प्रमोट कर दिया गया है। और रही सवाल क्लास 12 वालों की, तो डोंट वरी, आपको भी जल्दी मतलब प्रमोट कर दिया जाएगा। सिचुएशन ही ऐसा है, ठीक है ना। तो चलिए एक क्लास 12 वालों के बारे में, एक यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका वहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन निकल करके आया है, तो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, फिर मैं आपको अपने ईजी लैंग्वेज में समझा दूँगा। तो वो नोटिफिकेशन क्या है, देखिए 19 तारीख को ये नोटिफिकेशन निकला था। द पब्लिक एग्जामिनेशन इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ सेकेंडरी एंड ए वोकेशनल, मतलब क्लास 12 और वोकेशनल जितने भी कोर्सेस हैं, शेड्यूल इन जून 2021, जो कि मतलब शेड्यूल किया गया था जून 2001 में, एंड पोस्टपोन टिल फर्दर ऑर्डर, एंड द NIOS इज कीपिंग क्लोज वॉच द सिचुएशन एंड वी विल रिव्यू बाई 20 जून। तो इन लोग जो है वो फिर से मतलब इसको रिव्यू करेंगे और देखेंगे 20 जून तक। एंड द नोटिफिकेशन इन द रिगार्डेड शैल बी इशूड 15 डे इन एडवांस एंड एक्चुअल डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इन लोगों का कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि आपको अगर अभी सिचुएशन को वो लोग रिव्यू कर रहे हैं, और अगर एग्ज़ाम होता है तो आपको 15 दिन पहले ही सारा कुछ बता दिया जाएगा। यानी कि अगर एग्ज़ाम 15 तारीख को होना है तो आपको 1 तारीख को बता दिया जाएगा कि हाँ आपको नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम है या फिर नेक्स्ट वीक में एग्ज़ाम है। द पब्लिक एग्जामिनेशन एंड थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ ए सेकेंडरी कोर्स शेड्यूल जून 2021 एंड हियरली कैंसिल, द NIOS विल डिवाइस सुइटेबल क्राइटेरिया फॉर असाइनमेंट एंड रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर। एनी लर्नर हु इज नॉट सेटिस्फाइड विथ द रिजल्ट एंड, हाँ ठीक है। तो उनका कहना है कि अगर एग्ज़ाम होता है और कोई भी लर्नर जो है, कोई भी एग्ज़ाम जो जो एग्ज़ाम दिया है, अगर उन लोगों को कोई भी परेशानी है तो वो लोग ऑन डिमांड के थ्रू फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपने जो मार्क्स है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही थी एक छोटी सी अपडेट क्लास 12 वालों के बारे में। बाकी जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट कर दिया गया है, एंड होप सो कि अभी मुझे नहीं लगता कि मतलब इंडिया में कोविड की जो सिचुएशन है वो इतना जल्दी ठीक होने वाला है, ठीक है। केसेस तो थोड़ा बहुत कम आ रहे हैं, बट जो डेथ रेशियो है वो एज वेल एज सेम है। तो उन्होंने बताया है कि हम नेक्स्ट जो उन्होंने एक डेट दिया और बोला है कि हम लोग फिर से रिव्यू करेंगे। तो अगर उस समय तक ठीक नहीं रहा, तो उम्मीद है कि ठीक नहीं ही रहेगा, तो क्लास 12 का जो एग्ज़ाम है उसको भी प्रमोट कर दिया जाएगा, और ऐसा हो भी सकता है। तो जिस तरह से आप लोग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे, तो एज वेल एज आप लोग करते रहिए। और क्लास 10th वालों को तो खैर प्रमोट कर दिया गया है, और क्लास 12 वालों को भी प्रमोट कर दिया जाएगा। मैंने एक वीडियो कल बनाया था और उसमें मैंने बताया था कि जो अगर CBSE क्लास 12 का डेट पे ही NIOS का जो कि डेट है वो फिक्स है। तो देखिए क्लास 10th का जो डेट था ना, तो क्लास 10th का डेट और क्लास 10th का जो CBSE का एग्ज़ाम है उन लोगों को कैंसिल किया गया, तो NIOS का जो एग्ज़ाम है उनको भी कैंसिल कर दिया। सो यहाँ पे क्लास 12 का भी अगर डेट जो है CBSE का, अगर उन लोगों को भी पोस्टपोन किया जाए, तो क्लास 12 का भी CBSE का अगर पोस्टपोन किया जाए, तो NIOS का भी जो डेट है वो भी पोस्टपोन कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ, एंड डोंट टेक टू मच स्ट्रेस, एवरीथिंग विल बी वेल एंड गुड।